मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद आज हम निकले हैं साइट सीन पे। हम लोग अपने कैंप पर नहीं ले रहे, हमने ये जिप्सी हायर की है और आज हम जाने वाले हैं उस जगह पे जो एक दिन में हम कवर कर सकते हैं। और कौन कौन सी जगह जाएंगे ये आपको अभी हम वन बाय वन दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ पंचमढ़ी साइट सीन के लिए। बेस्ट वे टू हैव साइट सीन इन एनी प्लेस इज टू हायर अ लोकल कैब। थोड़े टाइम में आपको सारे प्लेस दिखा देता है। ये जो सिप्सी है, हमने ये मिस्ट्री वीडियो हम जिस होटल में रुके थे वहाँ से हमने 1275 में हायर की। आज के दिन में वन डे में जितने भी प्लेस हो सके उतने सारे ये कवर कर देंगे। और हम टायर्ड भी है कल पूरा दिन ड्राइव करने के बाद, तो थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे और एक ओपन जिप्सी में बैठने का एक अलग ही मज़ा होता है। ये जो पहाड़ है नंदी पहाड़ नाम से जाना जाता है। ये ऊपर जो ये छोटा वाला है ये नंदी पहाड़, तो जटाशंकर मंदिर है, कभी समुद्र पे होगा। ये जो पत्थर लगे हुए हैं इसे चकमक पत्थर या गारगोटी कहते हैं, जिससे आदिवासी लोग आग जलाते थे। जब समुद्र में बहाव आता है ना तो जो लहर उठती है तो वो लहरों से आकर ये जो छेद में जम गए होंगे वो पत्थर, उसे जो पत्थर है चकमक या गारगोटी कहते हैं, जिससे आदिवासी लोग आग जलाते हैं। ये पत्थर है ना, तो यहाँ बरसों पहले शायद समुद्र होगा तो उसकी लहरों से ये सारे जब बन गए। जैसे जब जब पानी थमता है ना तब वो पूरा काटता जाता है। अच्छा, हाँ काटता, जैसे थमेगा पानी तो पूरा काटता जाता है, तो उसके कटाव से बन होगा, लहर आई होगी ना। देखो ये भी समुद्र पत्थर चिपक जाते हैं वो पत्थर, तो इतना गहरा समुद्र होगा पहले। अच्छा, इसे जंगली नींबू कहते हैं। अच्छा, जंगली नींबू देखो। हाँ, जंगली नींबू या सुई नींबू बोलते हैं। इसमें अगर सुई वगैरह डाल देते ना तो 7 दिन में डिसॉल्व कर देता है ये। इसमें अच्छा इतना वो तेज रहता है, उसमें एसिड रहता है। अच्छा ना? ये क्या? ये से अटर्रा नींबू बोलते हैं। क्या? अटर्रा नींबू बोलते हैं। अटर्रा नींबू, हाँ। ये तो मैंने देखा। और ये जटामासी बोलते हैं। जटामासी, अच्छा जटामासी यही है। हाँ ये जब ये, और ये कोई अखरोट जैसा दिख रहा है? नहीं, ये भी नींबू है। नींबू है। अच्छा, मरी को जो शहद रहता है वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतर मधुमक्खियाँ रहती है, ये छोटी मधुमक्खियाँ रहती है अधिकतर यहाँ पर ना, तो किसी भी मधुमक्खी को शहद बनाने के लिए सबसे ज़्यादा फूलों की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर फूल बहुत कम है। अभी आप लोग पचमढ़ी घूम रहे हैं, आप देखना बहुत फूल जो है 20 से 30 किलोमीटर के रेंज पर बहुत कम मिलेंगे ना। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आयुर्वेद औषधि है यहाँ पे, तो अधिकतर जो मधुमक्खियाँ रहती हैं औषधि या जड़ी बूटियों का रस लेकर शहद बनाती हैं, इसलिए यह खाने में हल्का खट्टा कड़वा मीठा होता है।
स्प्रिंग का झरना है, स्प्रिंग वाटर है, झरना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी मछलियाँ भी है, देखिए ये मछलियाँ दिखाऊँ, ये देखो ये मछली। ये 13 किलोमीटर यहाँ से आप जा सकते हो, इतनी लंबी गुफा है। ये क्या है? ये इसे गूगल बोलते हैं और इसे लोबान बोलते हैं। ये लोबान है, हाँ। ये गूगल है, ये लोबान है, काम एक ही, काम एक ही प्रेयर का ही है। हाँ, काम एक ही। इसको रामकंद बोलते हैं, राम जी अपने वनवास में खाए तो रामकंद मूल होता है, जंगल पहाड़ों में होता है। अच्छा जी, केव रक्षित स्मारक है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो गेट से, वहाँ एकदम बढ़िया गार्डन देखने को मिलता है आपको। एक गार्डन है, वो आगे जाके वहाँ पे ऊपर देखिए, वहाँ पे केव्स है। यहाँ पे बैठने का एक गजीबो भी है, किसको अगर ऊपर केव तक नहीं जाना है तो यहाँ भी बैठ सकते हैं, और जिसको देखना है वो के ऊपर तक जा सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ मुख्यतः 5 एक क्षेत्र में पंचमढ़ी के आजू बाजू में 5 गुफाएं हैं, इसके आधार पर इसका नाम पंचमढ़ी पड़ा हुआ है। ऐसी धारणा है कि इस गुफाओं में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किया था। व्यू देखिए, है ना, टोटली वर्थ इट। पसीना काम में आ गया। देखिए ये व्यू पंचमढ़ी का। आप अभी है पांडव केव में। और यहाँ पे कुछ मॉन्क्स बैठे हैं, देखिए ये सारे मॉन्क्स हैं, वो बना रहे हैं हमारे लिए चना मसाला। चना मसाला तो बेसिकली ये सोक किया हुआ चना है। इसके साथ क्या मिलाएंगे? प्याज, वेजिटेबल्स मिलाएंगे। तो चना मसाला गर्मा गर्म, ये बॉईल किया हुआ, बॉईल नहीं था, सोक किया हुआ, भिगोया हुआ चना, उसको तड़का लगाया, कुछ वेजिस डाली, तो ये चटपटा चना रेडी है। नींबू, गरम मसाला, मिर्च, फ्लेवर सर सो इंटेंस।